करना है आपको। फॉर्म 47 के बैसाखियों पे खड़े हुए हैं आप, तो एक रेत के पहाड़ पे खड़े हैं आप। अवाम के सामने कोई चीज नहीं है, अवाम का समंदर आपको बहा के ले जाएगा। आप अवाम के सामने खड़े नहीं हो सकते, अपने कामों से मैल निकाल ले। शहबाज शरीफ या मिनिस्टर, ये बैसाखियों वाली फिरने वाली हुकूमतें, आप जिस तरीके से आए हैं कि रातों रात रिजल्ट आपने तब्दील किया और सही फॉर्म 45 की हुकूमत या बनती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती मरकज में। क्योंकि बारिश का समय आ रहा है, मैं मुख्तसरन और दूसरे मेरे साथी लीडरान ने भी बात करनी है, मैं मुख्तसरन बात करूंगा। ये आइन की पासदारी हम लोग क्यों चाहते हैं? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आइन की पासदारी होगी तो मेरा कैद कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब फायर होंगे। मेरे कैद की अहलिया बुशरा बीबी गैर कानूनी तौर पे उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, वो बाजियाब होंगी। मेरे वाइस चेयरमैन मखदूम साहब महमूद कुरैशी साहब बाहर निकल सकेंगे, मेरे पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब निकल सकेंगे। ना है आप तो फॉर्म 47 के बैसाखियों पे खड़े हुए हैं आप, तो एक रेत के पहाड़ पे खड़े हैं आप। अवाम के सामने कोई चीज नहीं है, अवाम का समंदर आपको बहा के ले जाएगा। आप अवाम के सामने खड़े नहीं हो सकते, अपने कामों से मैल निकाल ले। शहबाज शरीफ या मिनिस्टर, ये बैसाखियों वाली फिरने वाली हुकूमतें, आप जिस तरीके से आए हैं कि रातों रात रिजल्ट आपने तब्दील किया और सही फॉर्म 45 की हुकूमत या बनती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती मरकज में। क्योंकि बारिश का समय आ रहा है, मैं मुख्तसरन और दूसरे मेरे साथी लीडरान ने भी बात करनी है, मैं मुख्तसरन बात करूंगा। ये आइन की पासदारी हम लोग क्यों चाहते हैं? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आइन की पासदारी होगी तो मेरा कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब फायर होंगे। मेरे कैद की अहलिया बुशरा बीबी गैर कानूनी तौर पे उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, वो बाजियाब होंगी। मेरे वाइस चेयरमैन मखदूम साहब महमूद कुरैशी साहब बाहर निकल सकेंगे, मेरे पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब निकल सकेंगे।